डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.7 को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा है। चलिए उसके बाद हम लोग 7.8 एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि एक्सरसाइज 7.8 का बात करें तो हम लोग थ्योरी सेक्शन को, जो थ्योरी पढ़े थे उस थ्योरी वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले, कि जो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए 7.8 के लिए कुछ थ्योरी को पढ़ते हैं। तो टॉपिक दिया जाए, ये एक्सरसाइज 7.8 का थ्योरी है। टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब इसके नीचे क्या क्या फार्मूला है पहले उसको लिखते चलिए। तो फर्स्ट है fx dx का इंटीग्रेशन से हम लोगों को हमेशा मिलता है कैपिटल fx प्लस c। उसके बाद यहां पे अगर a b, आप फटाफट लिखते चलिए फिर हम आपको समझा देंगे। fx dx, फिर लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहला ए बी अपर लिमिट है एफ एक्स प्लस डी एक्स, चलिए तो पहले इतना समझ लेते हैं फिर आप आगे मिटाएंगे तो फिर समझाएंगे। तो खैर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.8 का थ्योरी, तो हम लोग टॉपिक्स बनाए हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए अच्छे से, नाम है इसका डिफिनिट इंटीग्रल्स। पहले क्या होता था कि कोई भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेशन करते थे तो फंक्शन मिलता था एक्स में। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, तो एक्स थ्री बाई एक्स थ्री, मैंने एक्स के पावर 3 बटा में 3 मिलता है। तो ये भी तो एक्स में ना फंक्शन है, लेकिन हम लोगों को दूसरा फंक्शन मिल रहा है। इसीलिए किसी फंक्शन को, इसीलिए यहाँ छोटा एफ लिखा गया है, किसी एक्स में फंक्शन को अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको दूसरा फंक्शन मिलता है, इसीलिए कैपिटल एफ लिखे हुए हैं। और यहाँ पे सी जोड़ते हैं, जैसा कि जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सी जोड़ते हैं कांस्टेंट के तौर पर। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स, यानी कैपिटल एफ का मतलब क्या कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो दूसरा फंक्शन मिलेगा उसको हम लोग कैपिटल एफ से सूचित किए हैं। अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स का पहचान है कि उसमें ऊपर और नीचे, इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। जैसे ये इंटीग्रेशन है, इसके नीचे ए है और उसके ऊपर बी है, तो इससे पता चलेगा कि इसको कहेंगे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इसलिए ताकि इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर कुछ न कुछ नंबर जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। अगर ये नहीं होता ना तब इसको कहते इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। यानी कि जो अभी हम लोग 7.7 तक के क्वेश्चन को पढ़ रहे थे वो सभी सारे क्या थे, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स थे, क्योंकि वहां पे नीचे और ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नीचे और ऊपर में ए और बी रहेगा, ए मतलब कोई नंबर और बी मतलब कोई नंबर, और इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले जो काम करना है वो आपको ये करना है कि जो एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन करके कुछ आएगा, हम मान रहे हैं कैपिटल एफ एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन कुछ होगा जिसको हम लोग कैपिटल एफ बोल रहे हैं। और इसका लोअर लिमिट कहलाता है नीचे वाला, ए को कहेंगे हम लोग लोअर लिमिट और ऊपर वाला को कहेंगे अपर लिमिट। यानी कि इंटीग्रेशन में जो नीचे होगा उसको लोअर लिमिट कहते हैं और जो ऊपर होगा उसको हम लोग
अपर लिमिट कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद एक्स के जगह पे कैपिटल बी रखिएगा और माइनस करना होता है लोअर लिमिट को, यानी कि जो ऊपर वाला लिमिट है उसको पहले एक्स के जगह पे रख दीजिए और बाद में जितना आएगा उसमें नीचे वाला ए का मान रख दीजिए और फिर घटा दीजिए। तो इस तरीके को हम बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रल्स। अब कुछ डिफरेंट इंटीग्रल्स का ना प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला कि अगर मान लिया कि लिमिट रहेगा ए से बी और इंटीग्रेशन में दो को फंक्शन रहेगा जोड़ में, तो हम इस फंक्शन को अलग अलग करके जोड़ सकते हैं लेकिन लिमिट दोनों पे आएगा ए से बी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको जानना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि अगर लिमिट ए से बी रहेगा और अंदर में जोड़ में रहेगा, तो हम तो पहले से सीखे हैं कि जोड़ में रहेगा तो इंटीग्रेशन अलग अलग टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे भी सीखना है कि अगर लिमिट ए से बी रहेगा, चाहे वन से टू रहेगा लिमिट, तो यहाँ भी वन से टू और यहाँ भी वन से टू आएगा, ठीक है। यानी कि लिमिट जो है यहाँ पे चढ़ जाएगा दोनों पे, जितना भाग में हम लोग तोड़ेंगे लिमिट उतना सब पे चढ़ेगा जितना की सवाल में दिया रहेगा। चलिए उसके बाद बाकी बात करते हैं हम लोग, जो लिमिट हम लोगों को चढ़ेगा उसके बाद बात करते हैं। ये चूंकि पहला प्रॉपर्टीज था तो चलिए आइए हम दूसरा प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। दूसरा प्रॉपर्टीज लिखेंगे, दूसरा चलिए पहले लिख लीजिए जितना लिखवा रहे उसके बाद समझा देंगे। ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भी वैसा ही है, माइनस में है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस चाहे प्लस में रहता है तो उसको तोड़ लेते हैं लेकिन लिमिट यहां पे चढ़ा देंगे। इंटीग्रेशन अब कि जी एक्स और एफ एक्स माइनस में था तो माइनस में तोड़ दिए लेकिन लिमिट दोनों पे चढ़ा दिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, कब तोड़ना है जब प्लस और माइनस में रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टीज जो है, अगर मान लिया कि ए से बी रहेगा कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट रहेगा एफ एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और ए और बी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे और यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स बच जाएगा। यानी कि वही बात है कि कोई भी अंदर में कांस्टेंट रहेगा हम लोग उसको बाहर कर सकते हैं। चौथा में अगर बात किया जाए तो यही तीन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज था। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन है हम लोगों को लिमिट टू से थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे भाई, चलो देख लो कि हम लोग इसको करते कैसे हैं। सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स के पावर एन पर तोड़ते हैं। एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x के पावर n प्लस वन और बटा में n प्लस वन। तो यहाँ x के पावर टू है तो x के पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर टू प्लस वन और बटा में टू प्लस वन, और जो इंटीग्रेशन करके आएगा तो उसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। लेकिन लोअर लिमिट में कितना है, दो, तो नीचे दो रख दीजिए। ऊपर लिमिट में कितना है, अपर लिमिट तीन है, तीन रख दीजिए। अब x के पावर दो और एक को जोड़िएगा तो x के पावर तीन बटे में तीन आएगा और अपर लिमिट कितना है, तीन, और लोअर लिमिट दो। तो अब इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद कौन सी करना है कि जो x है इस x के जगह पे पहले अपर लिमिट रखना है। तो x के जगह पे जो मान रखेंगे पहले अपर लिमिट का मान कितना है, तीन, तो यहाँ पे तीन रखेंगे तो तीन का क्यूब और बटा में तीन और तब जाके माइनस, यानी कि हमेशा माइनस करते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। तो यहाँ लोअर लिमिट कितना है, दो, तो अब माइनस करके एक्स के जगह पे कितना रखना है, दो के पावर तीन बटा में तीन, नीचे तो फिक्स तीन है। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो तीन के पावर तीन कितना होता है, तो तीन त्री के नौ, नौतियाई सताइस, तो सताइस बटे में तीन माइनस दो के पावर तीन कितना होता है, तो दो के पावर तीन होता है आठ, तो आठ बटा में तीन। अब इस तीन तीन का एलसीएम ले लेंगे तो तीन, और सताइस में से आठ घटा दीजिए तो सताइस में से आठ घटाएंगे तो कितना होगा, उन्नीस, तो यही उन्नीस बटा तीन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं।
चलिए आइए देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल नंबर एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर टू, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर कैसे करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन। डिफिनिट इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगे रहते हैं। तो याद रखिएगा जिस इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, तो अगर मान लिया कुछ ऐसा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, वन से फोर लिमिट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डीएक्स। तो हम अभी क्या बोले कि इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट भी रहे, इंटीग्रेशन का लिमिट रहे माने कि डिफरेंट इंटीग्रल्स रहे और इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस रहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको आप तोड़ दो, अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक से लेकर चार एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन एक से चार और एक्स डीएक्स। अब एक से चार होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स के पावर तीन बटे में तीन, और इसका लिमिट कहां से कहां तक, तो एक से चार तक। और फिर करेंगे माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बटा में दो, और इसका लिमिट कहां से कहां तक, तो एक से लेकर चार तक। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां एक्स की जगह पे कितना रखना है, चार। एक्स की जगह पे कितना रखना है, चार। तो चार का पावर तीन यानी कि चौसठ बटा में तीन माइनस एक्स की जगह पे कितना रखना है, लोअर लिमिट एक, तो एक का पावर तीन करेंगे तो एक ना आएगा, तो इसका मान तो इतना हो जाएगा और माइनस। अब इसका मान कितना होगा भाई, तो एक्स के जगह पे कितना रखना है, चार, तो चार का स्क्वायर कितना होगा, सोलह, सोलह बटा में दो माइनस एक्स के जगह पे आपकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है एक, तो एक का स्क्वायर एक बटा में दो। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस दे देते, यानी कि हमेशा जो घटाव करते हैं वो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। तो अब तिरसठ में से एक गया बासठ बटा में तीन माइनस, और 16 में से एक गया 15 बटा में दो। अब तीन और दो के एलसीएम कितना होगा, 6, और तीन से दो बार में कटेगा तो बासठ दूना 124 माइनस दो से कितना बार में कटेगा, तीन बार में, तो 15 तिहाई 45। अब 124 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 79 बटा में 6 यानी कि 79 बटा में 6। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपसे जितना बनता है एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, आपसे जरूर सॉल्यूशन होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, और बाकी की अगले क्लास में अगर आपसे सॉल्यूशन जहां तक होगा आप जरूर बना के हमें सेंड कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में फिर 7.8 के सॉल्यूशन को करेंगे, क्योंकि 7.8 का थ्योरी यहीं तक था, इतना ही था, और आगे की क्लास में हम 7.8 के क्लास को यानी कि थ्योरी को पढ़ा दिए तो अब सॉल्यूशन क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।